ये अच्छा मैंने आज अच्छा हो गया है नेक्स्ट ईयर इससे और भी अच्छा होगा ये तो एक साइकिल मानो एक तो बात ये कॉन्टेस्ट होगा तो अपने आप ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं उदाहरण करो अभी क्लासेस चालू है गांव के अंदर कई जगहों पे भी अगले साल से पार्टिसिपेशन आएगा क्लासेस चालू स्पेशल आपको याद है कि जब आईएएस का एग्जाम हुआ करता था तो दिल्ली के अंदर राव स्टडी सर्कल करके एक जगह थी वहां जो भी पढ़ना चाहता था आईएएस पढ़ना चाहता था पहले वहां जाता था तो आप जब ये काम चालू कर देते तो आप समझ जाओ कि कितने सारे लोगों को आप लोगों ने धंधा भी दिया है क्योंकि आपको पढ़ाने वाले भी लोग हैं सिखाने वाले भी लोग हैं और सीखने वाले भी लोग हैं और हर एक गांव के अंदर अब उनको मालूम हो गया है कि ये हर साल का कॉन्टेस्ट होने वाला है तो इसलिए हर जिले के अंदर हर संभाग के अंदर और आखिरी में यहाँ जयपुर के अंदर धीरे धीरे जो इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है वो खाली इन सबके परिवारों की वजह से नहीं है और भी लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया हैज टैलेंट को हमने देखा और इंडिया हैज टैलेंट अगर इतना मैंने शोर मचा उसके ऊपर हमारे यहाँ के लोग भी उसमें से जीत के आए इतना शोर मचा तो मैं मानती हूँ कि अगर राजस्थान के अंदर राजस्थान हैज टैलेंट आज आपने इतनी बड़ी लाइनअप खड़ी कर दी है कल को समझो कितने सारे लोग होना आपका ये और छोटा हो जाएगा आप कल अगली बार हमको यहाँ नहीं बुलाओगे हो सकता है कि अगली बार शाम को स्टेडियम में ना मैं सबसे पहले कि उन्होंने राजस्थान के अंदर हम सब के साथ अपना नाता जोड़ा है और यही एक काम नहीं किया है क्योंकि टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह ये तो एक अपना स्थान किसी भी स्टेज पे रखता है परंतु उन्होंने मालूम नहीं आप लोग सबको मालूम है कि नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट भी किया है उन्होंने यहाँ स्टूडियो खड़ा कर दिया वो भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर और क्योंकि मैंने उसको उस समय कहा था कि कोई लोग यहाँ आते हैं फिल्म शूटिंग वगैरह करने के लिए परंतु जो बैकरूम के काम होते हैं जैसे डबिंग का है जैसे म्यूजिक का है जैसे फोटोग्राफी को कटिंग वगैरह का है वो सब काम यहाँ नहीं कर सकते हैं दे हैव टू गो बैक बॉम्बे जाते हैं और जहाँ जहाँ उनका फिल्म जनरेट होता है वहाँ से चले जाते हैं अब उनको करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर ही फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है जिसके अंदर ये काम कर सके तो सबसे पहले आप लोगों के द्वारा अनु जी आपको आप सब जजेस को क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं हुआ होगा 10,000 बच्चों से टैलेंट निकालने का काम जो आप लोगों ने किया है वो अपने आप में भी बहुत मेहनत का काम है और फिर ये तो कॉलेजेस में गए हैं आपके संभागों में गए हैं और आप लोगों ने जैसे आज यहाँ बैठ के काम किया है वैसे जगह जगह पे भी किया होगा आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल फॉर हैविंग टेकन एंड मेड द एफर्ट थैंक यू वेरी मच क्योंकि मुझे मालूम है कि नाउ दैट यू मेंशन जयपुर घराना सो आई नो कि भाई आप लोग सब लोग एवरीबॉडी मैंने इंक्लूडिंग अनु जी एवरीबॉडी नोज कि अपन क्या भाषा बोल रहे हैं और इसलिए जब क्रिटिसाइज करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव सब आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों को इस जगदीश चंद्र जेसी जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को यहाँ बुलाया और सब लोगों को सबसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिल गया है आयोग साहब तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये भी इसमें इंटरेस्ट रखेंगे सो इसका मतलब यह है कि फ्रॉम द मोस्ट सीरियस डाउनवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर वगैरह एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि ग्रोनअप्स हो स्टूडेंट्स हो वो सब लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इसलिए ये 16 कंटेस्टेंट्स को मैं पूरी तरह से यहां बधाई देना चाहती हूं कि हजारों के अंदर से लाखों में आप लोग एक निकले वेरी गुड बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ठीक है आपने क्रिटिसिज्म जो किया वो बिल्कुल सही था परंतु जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके विदाउट ट्रेनिंग जैसे आपने कहा विदाउट ट्रेनिंग यहां तक पहुंचे और ये बहुत मुश्किल काम है भैया और तुमने कर दिया योर फैमिली मदर और फादर सब लोगों को बहुत सारी बधाइयां आप लोग सबके पेरेंट्स को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाल के आपको किसी और चीज में न लगा के आपको फ्रीडम दी कि आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकें
सो उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा काम किया है, और आपको सबको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। एक्सीलेंट, ऐसे और बच्चों को सिखाएं आपके क्षेत्र के अंदर, तो मुझे विश्वास है कि काम हो जाएगा। उसके बाद मैं ध्यान में आ गया कि ये तो पूरा क्षेत्र अपने क्षेत्र है, कहा कह सकते हैं कि ये क्षेत्र है वो क्षेत्र है, पर है कुछ झालावाड़ की, ये बात नहीं है। झालावाड़ के आप तो एक यहाँ एक और है, भवानी मंडी झालावाड़, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब आप, मैं इन्हें नेम कर रही हूँ ना, मैं आपको मिला रही हूँ, आपको ये 16 है, तो 16 के 16 हमारे घर के बच्चे हैं। अब आप उसमें से निकालोगे, जब ये आपके सामने आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब टैलेंटेड बच्चे हैं, और सुपर टैलेंट के साथ साथ वी आर अदर टैलेंट से अवेलेबल, सो वी आर वेरी हैप्पी कि आज इतने डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस में, और मुझे बड़ी खुशी है कि गाँव गाँव से लोग भी आए हैं आज इसमें शामिल होने के लिए। मैं जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे ही देना, हम लोग दो जन जो है, हम लोगों को तो पॉलिटिकल काम करना पड़ता है, इसलिए सब लोग कोई एक्सपेक्ट हमसे करता नहीं कि हम टाइम पे आएंगे या टाइम पे जाएंगे या जो सही बात है वो कह के जाएंगे, थोड़ी सी छूट भी हो जाती है। इसलिए आशीर्वाद दे दीजिए, अभी हम लोगों को चुनाव का काम करना है कि इससे जो छूट मिलता नहीं है, हम लोग वहां जाएंगे आपके आशीर्वाद से, और आप लोग सबके साथ से उसको जीतते आने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सबको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू कि आपने इन सबसे मेरे को मिलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर साहब फॉर यू, एंड प्लीज ऑल्सो टेल सुभाषी दैट आई एक्चुअली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कम टू मीट ऑल द जजेस। आप सबकी पूरी टीम से मुलाकात करने का मौका मिला, वेरी गुड बाय द वे, एंड इन सब टैलेंटेड बच्चों के साथ मिलने का मुझे मौका मिला, ये तो हमारी टीम है।